नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को सबको दे दो कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और सुनना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए, अगर आज की वीडियो आधे बीच में छोड़कर गए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नवरात्रि के किसी भी दिन छोटी कन्या को देना यह एक चीज, फूटी किस्मत चमक जाएगी। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जानकारी बहुत ही यूनिक है। आज का अपना कीमती समय नहीं दिए, 10-12 मिनट का जो समय है अगर दे दिए, नहीं तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा छोटी कन्या के रूप में कुमारी कन्या भोजन करने हमारे घर में स्वयं आती हैं। छोटी कन्या के रूप में माँ दुर्गा की अंश होती हैं। छोटी कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है। छोटी कन्याओं को नवरात्रि में नव दुर्गा के स्वरूप कहे जाते हैं। 1 से लेकर 9 वर्ष तक की जो छोटी कन्या होती है यह नव दुर्गा के स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए छोटी कन्याओं को नवरात्रि में हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं साक्षात हमारे घर में कुमारी भोजन करने नहीं आती, बल्कि कन्या के रूप में जो छोटी कन्या है उनके शरीर में अंश के रूप में हमारे घर पर आती हैं। इसलिए हमें छोटी कन्याओं को जो मान सम्मान देना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। नवरात्रि के समय में इन्हें कुछ चीज़ों को देना चाहिए। अब छोटी कन्या के शरीर में क्यों आते हैं ये भी जान लीजिए। माँ दुर्गा हमेशा निर्मल स्वच्छ साधक को ही भाती हैं, पसंद करती हैं। जिस प्रकार हम कंकड़ युक्त पानी को छान करके पीते हैं, ठीक उसी प्रकार माता रानी जिनके मन निर्मल हो, जिनके मन स्वच्छ हो, साफ हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर में आती हैं। और दुनिया में सिर्फ 1 से 9 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं इनके ही जो मन है निर्मल कहे गए हैं। तो कंकड़ का मतलब होता है जैसा कि लोग जैसे कि मोह तृष्णा ये शरीर के यानी में नहीं होनी चाहिए। जिनके शरीर में तृष्णा मोह माया होती है ऐसे शरीर में माता रानी स्वयं यानी कि वास तो नहीं करती, लेकिन याद रखिएगा हमेशा मोह माया से दूर रहिएगा। तो माता रानी जिनके जैसे कि शरीर में लोभ है, मोह है, तृष्णा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में स्वयं आ जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो स्कंद पुराण के अनुसार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रि के दिन छोटी कन्या को यह एक चीज़ जरूर देना कन्या पूजन के समय। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हम बता रहे हैं यानी जन कल्याण करना, आप लोगों का भला करना। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे द्वारा बताए गए उपाय को अपनाते हैं तो उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर वीडियो को देख रहे हैं किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो काफ़ी पुण्य की प्राप्ति हमें होती है, हमें खुशी मिलती है। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई राय है, कोई प्रश्न है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो में बताएं। स्कंद पुराण के अनुसार 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, 4 साल की कन्या को कल्याणकारी कहा जाता है, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को बालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका एवं 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है, 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा के साक्षात 9 स्वरूप माना जाता है तथा 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 1 से 9 वर्ष की कन्या की पूजन करने का विशेष महत्व बताया जाता है। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी जितना प्रसन्न होती है उतना प्रसन्न हवन और दान से नहीं होती हैं, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख दीजिएगा और इसे पूरा देखिएगा। देखिए मित्रों, कोई भी जानकारी जो होती है वो व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देख कर जाइएगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में 2 से 9 वर्ष की कन्या को कुमारी भोजन जरूर कराना चाहिए। जी हाँ, 2 से 9 वर्ष तक की कन्याओं को कुमारी जरूर कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 1 से लेकर 9 वर्ष की कन्या कुमारी को भोजन जरूर करा दे। और कुमारी कन्याओं को भोजन खिलाने के फायदे भी हैं, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि
वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कुमारी कन्याओं को भोजन करने के सामर्थ्यवान नहीं है तो वीडियो में बताए गए कुछ उपाय कुमारी कन्याओं को दे करके आप अपनी फूटी किस्मत को चमका सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में एक कन्या की पूजन करने से, एक कन्या को कुमारी भोजन कराने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, दो कन्या कुमारी का भोजन करने से मोक्ष और भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तीन वर्ष की कन्या को अर्थार्थ तीन कन्या का पूजन कराने से धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, चार कन्या को पूजन कराने से राजपद की प्राप्ति होती है, पांच कन्या को कुमारी भोजन कराने से समस्त प्रकार की विद्या की प्राप्ति होती है, छह कन्या को कुमारी भोजन कराने से छह प्रकार के सिद्धि की प्राप्ति होती है, सात कन्या को पूजन करने से कुमारी भोजन कराने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं आठ कन्या के पूजन करने से कुमारी भोजन कराने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है एवं नौ कन्या के पूजन कराने से कुमारी भोजन कराने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है एवं साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसने नौ कन्याओं का पूजन कर लिया, जिसने नौ कन्याओं को कुमारी भोजन करा दिया, ऐसे व्यक्ति देवतुल्य हो जाते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन कुमारी भोजन के दिन छोटी कन्या को दे देना, यह एक चीज बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। जी हाँ, आपको भी अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता रानी की जो कृपा है आपके ऊपर साक्षात बरसे, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, आपकी जो तकलीफ है, परेशानी है, गरीबी है, वो माता रानी तत्काल समाप्त कर दे, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन सामग्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तीनों सामग्री में से कोई भी सामग्री माता रानी को चढ़ा दे तो यकीनन माने आपकी गरीबी मिटाने से साक्षात दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। माता रानी नवरात्रि से ही पहले आपकी गरीबी को मिटा देगी। तो पहली चीज़ है, किसी भी दिन आप कन्या को यानी दे देना गुल्लक, जो गुल्लक जिसमें पैसा वगैरह रखते हैं, इसके फायदे बता देता हूँ। गुल्लक देने से जब छोटी कन्या इसे गुल्लक में पैसा इकट्ठा करेगी, इसके प्रभाव से आपकी भी आमदनी बढ़ेगी। जब तक छोटी कन्या गुल्लक पर पैसा रखती रहेगी, स्वयं माता लक्ष्मी अपना धन लुटाती रहेंगी और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर भर भर के आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा, यानी दसों दिशाओं से बारिश होगी पैसे की। इस बात का नोट कर लीजिएगा, नवरात्रि में छोटी कन्या को गुल्लक जरूर दे दे। दूसरी सामग्री है, थाली और गिलास दे सकते हैं। थाली और गिलास क्यों देना चाहिए? अक्सर हम नवरात्रि में छोटी कन्या को, हमेशा ध्यान रखिएगा, थाली एवं गिलास जरूर देना चाहिए, क्योंकि थाली को पृथ्वी माता कहा जाता है तथा गिलास को आकाश कहा जाता है। थाली को माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है तथा गिलास को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा गया है, और इसमें रखे जाने वाले जो भोजन होते हैं वो दक्षिण स्वरूप कहे जाते हैं, दक्षिणा स्वरूप। तो जब तक छोटी कन्या थाली में भोजन करेगी, गिलास में पानी पीती रहेगी, तब तक दुर्गा माँ की कृपा से कभी भी आपको अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तो जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति छोटी कन्याओं को नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के बाद थाली और गिलास जरूर दे दें। तीसरी चीज़ है, आप एक पानी वाला नारियल जरूर लेकर आइए। अगर नौ कन्या है तो नौ नारियल वाला पानी लेकर आइए, और इस नारियल में पहले आप हल्दी से ओम लिख दीजिए, माता दुर्गा के सामने इसे चढ़ाकर, और फिर कन्या को भोजन कराने के बाद एक लाल चुनरी में लपेट करके, और एक एक नारियल जरूर उन्हें भेंट स्वरूप दे दें, और दक्षिणा स्वरूप भी उन्हें 11-11 रुपए जरूर दे दें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में आप छोटी कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा स्वरूप पैसे भी दे सकते हैं, लौंग इलायची फल फूल केले वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। अगर उन्हें लाल वस्त्र देते हैं तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। तो छोटी कन्याओं को भोजन कराने के बाद जरूर नवरात्रि में दे दें ये चीज़ जो हमने बताया है, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं माता रानी की कृपा बरसे, वो लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय माता रानी।